क्रिकेट इतिहास में श्रीलंका अपने घर में पहला T20 मैच खेल रहा था। यह मैच श्रीलंका के लिए यादगार था, परंतु पठान बंधु के लिए ऐतिहासिक हो गया, क्योंकि इस मैच में सहवाग, गंभीर, युवराज, रैना और धोनी जैसे धुरंधर धराशायी हो रहे थे, तो वहीं इरफान और यूसुफ दो भाइयों ने श्रीलंका की लंका को जलाकर खाक कर दिया। और बड़े भाई के चलते यूसुफ पठान को 10 गेंदों पर 22 रन बनाने के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। मैच की शुरुआत होती है, दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर आते हैं। दिलशान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। इस फैसले से कप्तान MS धोनी भी खुशी थे, क्योंकि उनके पास एक बेहतरीन बॉलिंग अटैक था। दोनों टीमें दिग्गजों से लबालब भरी हुई थी। यदि लंका के पास जयसूर्या का तेज था, तो भारत के पास विस्फोटक वीरेंद्र थे। यदि लंका के पास दिलशान का दिल था, तो भारत का गौतम भी गंभीर था। ऐसे हालात में मैच शुरू होता है। श्रीलंका की तरफ से सनत जयसूर्या और तिलक रत्न दिलशान ने पारी का आगाज किया और जहीर ने पहली गेंद पर जोरदार अपील करा, परंतु अंपायर ने जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन उस ओवर की आखिरी गेंद पर दिलशान को एक जीवनदार मिल गया। एक आसान सा मौका इरफान पठान ने गंवा दिया। उसके बाद दिलशान ने अपना दिल खोलकर चौके लगाना प्रारंभ कर दिया। पहले ईशान शर्मा को, फिर जहीर खान को शानदार चौके लगाए। अब सनत जयसूर्या के बल्ले का किनारा लेकर गेंद चौके के लिए चली जाती है, लेकिन अगले ही ओवर में सूर्या ने अपना हाथ खोला और ईशांत को पहले चौका लगाया। उसके बाद दो बेहद ही शानदार छक्का लगाकर इस ओवर से 18 रन निकाल लिए। अब सूर्या की चमक लगातार बढ़ती जा रही थी। श्रीलंका दर्शकों में उत्साह का माहौल छाया था, क्योंकि ये दोनों ही खिलाड़ी अपना आक्रामक रवैया अपना चुके थे। ये दोनों ही खिलाड़ी धोनी की हर चाल को मात दे रहे थे, जहीर के हर तरकस के तीर को चीर रहे थे और देखते ही देखते स्कोर को 5 ओवरों में ही 50 के पार पहुंचा दिया। टीम इंडिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही थी। तभी इरफान ने सूर्या की पारी का अंत कर दिया। सनत जयसूर्या ने 17 गेंदों पर 33 रनों की तेज पारी खेली। अब जेहान मुबारक मैदान पर आते हैं। मुबारक ने तहे दिल से दिलशान के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। अब 10 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 80 रन होता है। उधर दिलशान बड़े शान से चौके लगा रहे थे। धोनी हैरान, हताश, परेशान हो चुके थे। तभी धोनी ने एक चाल चली और यूसुफ पठान के हाथ में गेंद थमाई और यूसुफ ने मुबारक को खुदा हाफिज कर दिया। अपने ही द्वारा फेंकी गई गेंद पर कैच पकड़कर भारतीय टीम के लिए यह ओवर बेहद ही शानदार रहा। उसके बाद ये दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपने टीम के स्कोर को 100 के पार पहुंचा दिया। अब एक बार फिर से भारतीय टीम पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। तभी एक बार फिर से धोनी ने यूसुफ से गेंदबाजी कराकर कप्पू गडेरा को सहवाग के हाथों कैच करवा श्रीलंका को तीसरा झटका दे दिया। अब चामरा डिसिल्वा मैदान पर आते हैं, लेकिन दिलशान लगातार हर गेंद को चौकों में डील कर रहे थे। अब 14 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था। स्कोर 115 रनों पर 3 विकेट होता है। 15वां ओवर भारत के लिए बेहद ही शानदार रहा और एक भी बाउंड्री नहीं आ सकी, परंतु 16वें ओवर में चामरा ने इरफान को निशाना बनाकर एक छक्का और चौका लगाकर इस ओवर से 12 रन निकाल लिए। इसके बाद दिलशान ने इसी चौके के साथ अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। श्रीलंकाई कप्तान द्वारा T20 में लगाया गया यह पहला अर्धशतक था। फिर ईशांत को एक चौका और एक छक्का लगाकर स्कोर को भी 150 रन के पार पहुंचा दिया। साथ में इस ओवर की शुरुआती 5 गेंदों पर 17 रन कूट दिए, लेकिन आखिरी गेंद पर दिलशान आउट हो गए। दिलशान ने मैच 47 गेंदों पर 61 रनों की तेज तर्रार पारी खेली। अब मात्र 3 ओवरों का खेल बाकी था। यहाँ से श्रीलंका को केवल रनों की तलाश थी। वो रन कैसे भी आए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। और आखिर में कुछ अच्छे शॉट लगाकर श्रीलंका ने स्कोर को 171 रनों तक पहुंचा दिया। सिल्वा ने 10 गेंदों पर 21 रन बनाए। भारतीय टीम की तरफ से यूसुफ पठान ने 4 ओवर की गेंदबाजी कोटे में 23 रन देकर 2 विकेट झटक कर सबसे सफल गेंदबाज रहे। अब भारत को यह मैच जीतने के लिए 120 गेंदों पर 172 रन बनाने थे। अब सहवाग और गंभीर पारी की शुरुआत करने मैदान पर आते हैं। यदि भारत के पास धाकड़ सलामी जोड़ी थी, तो लंका के पास भी लसित मलिंगा की यारकर थी। और दूसरी पारी की पहली गेंद गंभीर के बल्ले का किनारा लेकर चौके के लिए चली जाती है। दूसरी गेंद पर खराब फील्डिंग ने गौतम गंभीर को एक और चौका दे दिया और फिर आखिरी गेंद पर शानदार शॉट लगाकर इस ओवर में 14 रन कूट दिए।
लंका का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज बुरी तरह से पिट रहा था। और खास बात यह थी कि यह पारी का पहला ही ओवर था। भारत के लिए यह शानदार शुरुआत थी। अब जो होने वाला था उसकी कल्पना शायद ही किसी ने करा होगा, क्योंकि गंभीर सिंगल लेने के चक्कर में सहवाग जैसे विस्फोटक बल्लेबाज को रन आउट करा देते हैं। इस विकेट के मिलने का यह शोर सुनिए। Directed and Sehwag is gone. Normally they run very well between the wickets, but delight for Sri Lanka. Dangerous Virendra Sehwag has to go. वीरेंद्र सहवाग ने केवल एक रन बनाकर पवेलियन चल दिया। अब सुरेश रैना मैदान पर आते हैं, परंतु अब ऐसे गंभीर हालात में गौतम ने भी अपना विकेट गंवा दिया। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास भारतीय टीम को एक और झटका दे दिया। 14 रनों पर दोनों ओपनर पवेलियन वापस जा चुके थे। गंभीर ने महज 13 रन बनाया। अब सुरेश रैना का साथ निभाने युवराज सिंह मैदान पर आते हैं और पहली गेंद पर आउट होने से युवराज सिंह बाल बाल बचते हैं। उसके बाद ये दोनों ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। लगातार दो झटकों से उभारा, एक तरफ युवराज बड़े बड़े शॉट खेल रहे थे तो वही दूसरी तरफ सुरेश रैना सहला कर चौके बटोर रहे थे। इन दोनों ने मिलकर 5 ओवरों में ही स्कोर को 50 के पार पहुंचा दिया। युवराज रैना की जोड़ी शानदार तरीके से स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाई जा रही थी। यहां पर रिक्वायर्ड रन रेट करंट रन रेट से बेहद ही नीचे जा चुका था, क्योंकि रैना युवराज दोनों लगातार बाउंड्री पर बाउंड्री लगाए जा रहे थे। दोनों का खेलने का अंदाज रवैया आक्रामक ही होता है और यह देखने को भी मिल रहा था। दोनों अपनी प्रतिभा को प्रतिष्ठित कर रहे थे। युवराज तो अपने स्वेग अंदाज में गेंद को हवा में उड़ा रहे थे, रैना भी उनको बीच मैदान धूल चटा रहे थे। रैना तो दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, परंतु तभी युवराज सिंह आउट हो जाते हैं। युवराज ने 21 गेंदों पर 32 रन बनाए। दुनिया का सिक्सर किंग भारतीय टीम को बीच मध्यधार में छोड़कर पवेलियन वापस जा रहा था। युवराज के आउट होने के बाद लंकाइयों का नंगा नाच देखिए। That's the one they needed. The changes worked and Yuvraj is walking back. अब धोनी रैना की जोड़ी क्रीज पर होती है। टीम को 71 गेंदों पर 91 रन बनाने थे। इस जोड़ी पर काफी कुछ जिम्मेदारियां थी टीम को जीत के मंजिल तक पहुंचाने की, और यह काम भी रैना बखूबी निभा रहे थे। परंतु उसी ओवर की आखिरी गेंद पर रैना एक और बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच समा बैठे। भारतीय टीम की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। अब कुछ ओवरों तक बाउंड्री नहीं आ सकी, इसका दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। तभी दबाव को कम करने के प्रयास में धोनी बोल्ड हो गए। महज 108 रनों पर आधी भारतीय टीम पवेलियन वापस जा चुकी थी। अब वो जडेजा मैदान पर आते हैं जिनको बल्लेबाजी के लिए ज्यादा जाना नहीं जाता था। अब नए नवेले रोहित शर्मा भी पवेलियन वापस चल दिए। अब 34 गेंदों पर 62 रन बनाने थे। सभी प्रॉपर बल्लेबाज पवेलियन वापस जा चुके थे और जो क्रीज पर थे यूसुफ पठान ने अब तक महज एक T20 मैच खेला था, जिसमें से उनका हाईएस्ट स्कोर 15 रन था। अब रविंद्र जडेजा से ज्यादा उम्मीद तो थी नहीं और रविंद्र जडेजा ने निराश भी नहीं किया और महज 5 रन बनाकर बोल्ड हो गए। अभी भी भारतीय टीम को 29 गेंदों पर 57 रनों की दरकार होती है, मतलब यहां से हर ओवर में भारतीय टीम को 12 रन बनाना था। मैदान पर दो भाई यूसुफ पठान और इरफान पठान होते हैं। हर कोई भारत की हार कबूल कर चुका था, परंतु इन दोनों भाइयों ने अभी हार नहीं मानी थी। अब पहली बार यूसुफ पठान का तांडव पूरी दुनिया ने देखा। यह खूंखार खिलाड़ी उनकी गेंदबाजी के छक्के छुड़ा रहा था। जिस ओवर की पहली गेंद पर विकेट गिरा था उसकी अगली 5 गेंदों पर पठान ने 17 रन कूट दिए। यह पठान का आतंक ही था कि सभी श्रीलंकाई खिलाड़ी थर थर कांपने लगे। पूरी दुनिया के लिए यह मैच एक ऐतिहासिक बनने के कगार पर खड़ा हो गया। उसके बाद भी यूसुफ पठान की तबाही जारी थी, लेकिन अभी दूसरे भाई इरफान पठान की बारी थी, क्योंकि अब 14 गेंदों पर 24 रनों की दरकार थी जहां पर एक तूफानी पारी आनी बाकी थी। अब लसित मलिंगा को इरफान ने आड़े हाथ लिया और एक चौका लगा दिया। हर गेंद के साथ इस मैच का रोमांच बढ़ता जा रहा था। एक बाप के दो बेटे भारत माँ की शान बढ़ा रहे थे। अब 10 गेंदों पर 17 रन बनाने थे, तभी इरफान पठान ने एक शॉर्ट बॉल पर एक फ्लैट छक्का मार दिया। हर भारतीय फैंस जश्न में डूब रहा था। इसके अगली गेंद पर दौड़कर 2 रन निकाल लिया। अब भारतीय टीम को 8 गेंदों पर 9 रन बनाने थे,
और अगली गेंद पर इरफान ने चौका मार इस मैच को पूरी तरह से भारत की झोली में ला दिया। अब आखिरी की 6 गेंदों पर पंच की दरकार थी, लेकिन भारतीय टीम के लिए यह इतना आसान नहीं था क्योंकि सामने दुनिया का सबसे खुखार गेंदबाज लसित मलिंगा के हाथों में गेंद होती है और इरफान पठान स्ट्राइक पर होते हैं। तभी मलिंगा की शानदार यॉर्कर पर पठान ने बेहतरीन तूफानी अंदाज में छक्का जड़ मैच को जीत लिया। दो भाई बीच मैदान में जश्न मना रहे थे। आज पठान बंधु ने मिलकर इस मैच को लंका के खेमे से खींचकर अपने खेमे में ला दिया। हर भारतीय खिलाड़ी दर्शक जश्न में डूब चुका था और भारतीय टीम इस मैच को 3 विकेट से जीत लिया था। यह पल इन दोनों भाइयों के लिए सुनहरा यादगार ऐतिहासिक पल था जिसे देख हर किसी की आंखें भर आई। यूसुफ पठान ने 10 गेंदों पर 22 रनों की पारी खेली और साथ में गेंदबाजी के दौरान 2 विकेट भी झटके और इरफान पठान ने 16 गेंदों पर 33 रनों की तूफानी पारी की मदद से भारतीय टीम को जीत दिला दिया और गेंदबाजी के दौरान भी 1 विकेट लिया था। यूसुफ पठान को इस मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। इन दोनों भाइयों की शानदार प्रदर्शन की वजह से ही भारतीय टीम इस मैच को जीत सकी और यही कारण है कि आज भी इन दोनों भाइयों के लिए ऐतिहासिक पारी के लिए पूरी दुनिया पूरा भारत इनको सलाम करता है।